नमस्कार किसान वीरो, इंडो इज़राइल टेक्नोलॉजीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जो आम कैश क्रॉप ले रहे हैं, कैश क्रॉप और हॉर्टिकल्चर, इन दोनों के अंदर हमें क्या चेंजेस है या क्या इनकम हमारे लिए प्रॉफिटेबल क्या चीज़ है, हम नेक्स्ट ब्लॉग में चर्चा करने वाले हैं। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये पूरा मैंगो का फार्म है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो मैंगो है, ये ओल्डर सिस्टम से लगाए गए हैं, मतलब पुरानी तकनीक से लगाए गए हैं। इसमें और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में क्या डिफरेंट है, क्या चेंजेस है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, आज के डेट में हमारे जो किसान भाई कैश क्रॉप बो रहे हैं, तो कैश क्रॉप के अंदर क्या होता है कि सब में इम्पोर्टेंट पार्ट के फर्टिलाइज़र की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आसमान को खादों की कीमत छू रही है। सेकंड थिंग, लेबरिंग कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा प्लस हो गया है, क्योंकि आज आप इंडिया के हर एरिया में जाके देखोगे तो लेबर की, मतलब किसान के बजाय लेबर ज़्यादा खुश है। और सेकंड थिंग, मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर कुदरत का कहर अगर बरस पड़ा तो मतलब कि प्रोडक्टिविटी जो चाहिए वो तो हमें मिलती नहीं है, उल्टा हम लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, इसमें आप क्या करिए कि एक टाइम में आप अगर कैश क्रॉप के अंदर अगर आप एक सिंगल फसल ले रहे हो तो आप ज़रा हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट होइए। एग्जांपल, आपके पास अगर 10 एकड़ जगह है तो 10 एकड़ में आप एक दो एकड़ से शुरुआत करिए। एक दो एकड़ फील्ड के अंदर क्या होगा कि आप जब हॉर्टिकल्चर करोगे तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको इंटरक्रॉप आप इसमें आराम से कर सकते हो, और इंटरक्रॉप करते हुए क्या होगा कि आपका हॉर्टिकल्चर जो है ये आराम से ग्रोथ हो जाएगा। मतलब साल भर में आपको दो इनकम आएगी। अगर कहीं पे कैश क्रॉप ने अगर हमें मात दे दी तो हॉर्टिकल्चर में हम प्रॉफिट में चले जाते हैं। आप देख सकते हो, तो हॉर्टिकल्चर अगर आप करोगे तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सबसे मेन चीज एफर्ट बहुत कम होते हैं। फर्टिलाइजर वगैरह आप हम इसमें सेमी केमिकल, सेमी ऑर्गेनिक, एग्जांपल सेमी फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों भी। और इसमें प्रूनिंग के अकॉर्डिंगली प्लांट्स ग्रोथ किए जाते हैं, इस वजह से अंदर का जो स्पेस आप देख रहे हो ये स्पेस बिल्कुल बच जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी यहाँ पे हम जिस सिस्टम से हॉर्टिकल्चर आज तक कर रहे थे उसमें क्या होता था कि पेड़ काफ़ी बड़े बड़े होते थे और पेड़ की छाव अंदर आती थी, जो कि हालांकि पेड़ों के दोनों पेड़ों के अंदर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता था और उसकी छाव अंदर आने की वजह से इंटरक्रॉपिंग हम कर नहीं पाते थे, बिकॉज उसमें फोटोसिंथेसिस बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहो तो इसमें ये सारे जो प्लांट्स हैं ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी से प्लांटेशन हुए हैं, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करने के बाद क्या है कि अंदर का जो स्पेसिंग है ये हमारा बच गया है। तो अंदर का जो स्पेसिंग ये है 12 फीट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी है 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी है 12 फीट। तो बहुत सारे किसान इसमें सोच रहे होंगे कि हम जो देसी तरह का सिस्टम से प्लांटेशन करते थे इसमें काफ़ी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद हम फसल कर नहीं पा रहे थे, तो इसमें कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें प्रूनिंग की जाती है, प्रूनिंग के अकॉर्डिंगली सारा ये बगीचा ग्रोथ होगा। और इसमें देखिए, हर चीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अप्लाई की जाती है। एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा इसमें हमने कुछ प्लांटेशन के बाद कुछ ट्रीटमेंट किया है, वो भी आपने शायद वीडियो में भी जस्ट देखा है। तो इसमें क्या है कि जो ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं पौधे के हिसाब से, पौधे को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इसमें देते हैं। और इसमें रही बात पानी की, तो पानी भी उतना ही दिया जाता है जितनी हमारी फसल को रिक्वायर्ड है। तो इसमें मेंटेनेंस कम आता है क्योंकि पानी अपना कम लगा, क्योंकि जितना पानी चाहिए था उतना हम दे चुके, और अंदर का स्पेस बचा है ये भी खाली पड़ा है। इसमें हम अगर फ्लड इरिगेशन करते तो इसके बजाय ये एरिया भी पूरा भीग गया होता, और इसके अंदर काफ़ी खरपतवार आई होती, घास फूस आई होती, जिसको निकालने में किसान का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसमें हम इंटरक्रॉपिंग करने वाले हैं। इंटरक्रॉपिंग में इसमें हो रहा है ओनियन, और अगला जो प्लॉट देख पा रहे हो आप, अगले प्लॉट में होगा गार्लिक। मतलब के कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक्चुअल में 10 एकड़ का पूरा प्लांटेशन का कंसेप्ट है, जो कि कस्टर्ड एप्पल आप देख पा रहे हो। तो इसमें 10 एकड़ जो प्लांटेशन हो रहा है, 10 एकड़ के अंदर एवरेजन 3 प्लॉट है जिनमें ओनियन होगा इंटरक्रॉपिंग में, और एक प्लॉट है जिसमें गार्लिक होगा। मतलब इसमें इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होगा कि इंटरक्रॉपिंग में हम जब ट्रीटमेंट देंगे तो उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें हॉर्टिकल्चर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें देखिए, एग्जाम्पल हम जो खाद दवाई देंगे वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर इधर उधर होके इनके जड़ों तक पहुँचेगा हॉर्टिकल्चर के, और उन जड़ों तक पहुँचने के बाद हमारे हॉर्टिकल्चर के पौधों का भी बहुत ही बढ़िया शानदार ग्रोथ और विकास होगा। यहाँ पे पूरे 4 फार्म है जहाँ पे पूरा कस्टर्ड एप्पल किया गया है। तो इस वीडियो को आप
देखिए इसमें समझिए, इसमें हमें किस तरह से किस वे से हमें आगे बढ़ना है, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं इसी फार्म के, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नया नया और कुछ यूनिक तरीके से प्लांटेशन होने वाला है। ये मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब मेरे लिए और आपके लिए भी, मुझे तो पता है लेकिन आप मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क समझिए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट स्टेज पे जो जो प्लांटेशन होगी उसकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी सीधे अपने चैनल पर। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो सारा इसमें ड्रिप इरिगेशन का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। ये इस साइड का जो वॉल है, मतलब ये थोड़ा आगे है, मतलब कि दो नंबर का वॉल है, तो ये दो प्लॉट है जो जिसके अंदर बॉर्डर नहीं है, लेकिन वाटरिंग के लिए दो प्लॉट बना दिए गए। इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो उस साइड में पानी जाएगा, और उधर के वॉल को अगर स्टार्ट करते हैं तो इस साइड में पानी आएगा। आप देख पा रहे हो इसमें हमने बेड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बरसात के कारण अगर बारिश का पानी भर जाए तो बारिश का पानी भरने की वजह से जड़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होकर पौधा सूख सकता है, तो इस वजह से हमने इसमें बेड दिया है। तो इस बेड के ऊपर क्या होगा कि मॉइस्चर जो रहेगा, जितना पौधे को पर्याप्त चाहिए उतना मॉइस्चर इस बेड में बना रहेगा।